हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम नवरत्न है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो नॉर्मल लुईस की जो बुक है उसको मैं टॉपिक वाइज कवर करवा रहा हूँ। और इस बुक की जो खासियत है वो बेसिकली इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो एटमोलॉजी से बने हुए हैं, जिसमें से हम प्रीफिक्स, सफिक्स या रूट वर्ड के थ्रू ही हम वर्ड को लर्न करते हैं। और इसके जितने भी वोकैब हैं वो कहीं ना कहीं आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या करेंगे, हेल्पफुल होंगे। जैसे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या किसी मेडिकल फील्ड की तैयारी कर रहे हो, या इवन स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वोकैब का अपने आप में ही बहुत बड़ा क्या होता है, रोल होता है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि जो वोकैबुलरी होती है ना, वो कहीं ना कहीं एज अ फाउंडेशन की तरह काम करती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आपको इंग्लिश इजी बनाना है, मतलब आपको इंग्लिश से डर ना लगे, मीन्स आपको एंग्लोफोबिया ना हो, तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आपका जो वोकेबुलरी है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, इन्हेंस किया जाए। और ये चीज़ इन्हेंस तभी होगी जब हम रीडिंग स्किल अपना बहुत अच्छा करेंगे, हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रीड करेंगे, तो उससे हमारी वोकेबुलरी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वर्ड्स को थोड़ा समझे भी, रीड करने के साथ उन्हें समझे भी कि उनका ओरिजिन कहाँ से है, वो ग्रीक से हैं या फ्रेंच से हैं या जर्मन का कोई टर्म्स है या कोई लैटिन का टर्म्स है, ये हमें पता होना चाहिए। अब मैं एक काम करता हूँ, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज जो है नॉर्मल लुईस की वो मैं 5th चैप्टर कवर करवाऊँगा। और जो बेसिकली ये बेस्ड है वो लायर्स, यहाँ पे दिया ना लायर्स, लायर्स मतलब झूठ बोलने वाले, और लाइंग, और लाइंग का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। मीन्स आज आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो मीन्स आप कहीं ना कहीं किसी न किसी से, ऐसे भी लोगों से टकराते होंगे जिनके अंदर ये कोई ना कोई ये क्या होगी, क्वालिटी होगी। मीन्स कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मतलब जन्म से ही झूठ बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी झूठ बोलते हैं, कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं कि मतलब जो झूठ बोलते हैं तो वो एक तरीके से उनके हैबिट में आ जाता है, मीन्स उसको आप चेंज ही नहीं कर सकते हो। कुछ लोग ऐसा झूठ बोलते हैं कि लगेगा कि अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल 100% सही बोल रहा है, मीन्स बातें तो वो झूठ ही बोल रहे हैं, लेकिन लगेगा आपको कि जिसको आप बोलते हो ना सफ़ेद झूठ, अरे यार तुम तो सफ़ेद झूठ बोल रहे हो, वो उस टाइप के जो झूठ बोलते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे लर्न करने वाले, सीखने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या होगा, या तो प्रीफिक्स होगा या सफिक्स होगा या रूट होगा। यहाँ पे सेम केस यहाँ पे भी वही है, तो इसमें देख लो, नोटस, नोटस टर्म्स अगर कहीं भी लगा हो ना तो इसका मतलब क्या होता है, नोन, नोन का मतलब जो जाना जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नोटस। समस, समस का मतलब क्या होता है, हाइएस्ट, आपने एक वर्ड सुना होगा, समिट, हाँ समिट एक मीटिंग भी होता है, समिट वो जो मीटिंग होती है ना बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग होती है जिसमें एक कंट्री के डेलीगेट्स दूसरे कंट्री के डेलीगेट्स आपस में क्या करते हैं, मीट करते हैं। जैसे आपने G20 सुना होगा या G7 सुना होगा या WTO की जो मीटिंग होती है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, समस। या इसके बाद वेटस, वेटस का मतलब होता है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब होता है जो अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा क्या हो, परफेक्ट हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वेटस कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हो सचिन तेंदुलकर इज अ वेटर्न प्लेयर, तो वेटर्न जो टर्म्स आया ना वेटस से ही बना हुआ, तो इसका मतलब ओल्ड है प्लस एक्सपर्ट आप कंसीडर कर सकते हो। इसके बाद है जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ से संबंधित, कोई चीज़ कहाँ से आई हुई है, उसका ओरिजिन क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, जेनेसिस कहते हैं। जैसे आपने एक टर्म सुना होगा जीन, जीन का ट्रांसफ़र होता है, मतलब पेरेंट्स टू चाइल्ड होता है, मतलब चिल्ड्रन होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो जेनेसिस ही होता है, उस जीन से संबंधित है। इसके बाद है कॉन, कॉन का मतलब तो एक तो धोखा देना होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन का मतलब क्या है, विथ या टुगेदर, समझ गए। जैसे आपने एक टर्म सुना होगा क्या, कॉन साइंस, कॉन साइंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ या जब कोई हम एक्शन, मतलब बिल्कुल सोच समझ कर अपने विचारों को इकट्ठा करके लेते हैं ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन साइंस, जिसका मतलब क्या होता है, विवेकपूर्ण। इसके बाद आता है इन, इन कहीं भी टर्म्स लगा हो तो इसका मतलब होता है नेगेटिव, इन हो, एम हो, डिस हो, ए हो, ए एन हो, तो ये सारे क्या होते हैं, नेगेटिव टर्म्स होते हैं। अब एक काम करते हैं, एक एक टर्म्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है,
इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो अब यहाँ पे देख लो आप ध्यान से, जो ये नोटस है ना, नोटस से क्या बना है ये आपका, नोटोरी ये बना है, और ओ यू एस लग जाए तो ये एडजेक्टिव हो जाता है, याद रखना। अगर कहीं भी ओ यू एस लगा हो तो इसका मतलब एडजेक्टिव होता है। तो नोटोरियस, ये अनफेवरेबली नोन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसके लिए जाना जाए, गलत काम के लिए जाना जाए, मीन्स एक कोई ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोल बोल के अपना रेपुटेशन बना ले, उसी को हम क्या बोलते हैं, नोटोरियस बोलते हैं, कुख्यात। आपने टर्म सुना होगा हिंदी भी में, सम सुना होगा, कुख्यात और एक विख्यात होता है। तो कुख्यात होता है जो गलत काम के लिए जाना जाए। अब जैसे कोई एक थीफ है, तो थीफ क्या करता है, चोरी करता है, और जब पुलिस उसको पकड़ती है तो वो क्या करता है, झूठ बोलता है। हाँ, ऐसा होता है या नहीं होता है? लेकिन एक समय ऐसा आता ना, वो थीफ बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। या फिर जैसे आपने केस सुना होगा, अभी रिसेंट में केस हुआ था यूपी में, तो उसमें वो जो अभी उसको जो मार दिया गया था, तो वो भी एक तरीके से क्या था, कैसा पर्सन, नोटोरियस पर्सन ही था, समझ गए? मतलब वो बुरे ख्याति के लिए जाना जाता है, और वो अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ क्या करता है, बोलता है। उसी को हम क्या कहते हैं, नोटोरियस, बदनाम, मतलब जिसका नाम ही क्या हो, बदनाम हो। अब जो, तो मैंने क्या बोला, जो अच्छे काम के लिए जाना जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं अगले पे, कंज्यूमेट। कंज्यूमेट क्या होता है, अगर इसको आप ध्यान से देखो ना, तो इसमें कौन लगा, कौन का मतलब टुगेदर, और समझ से बना है ये समेट, यहाँ पे जो आपको ये टर्म दिख रहा ना, ये वही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, विथ या टुगेदर, टुगेदर, और इसका मतलब क्या हो गया, हाइएस्ट। मीन्स एक ऐसा पर्सन जो झूठ बोले, लेकिन वो झूठ इतना क्लियर बोले और इतना उसमें मतलब अपने ट्रेट को लगा के बोले कि आपको तुरंत बिलीव हो जाए कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंज्यूमेट बोलते हैं। ऐसे आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, या आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मतलब इतना क्लियर झूठ बोलते हैं ना, जिसको एक तरीके से बोलते हैं तुम तो सफ़ेद झूठ बोल रहे हो, लेकिन सफ़ेद झूठ वो अगर बोलेगा भी ना, तो लेकिन उसमें इतना ज़्यादा आर्टिस्टिक चीज़ों को मिला के बोलेगा, मतलब वो अपने ट्रेड टाइटल लगाएगा कि आपको जरा भी गैस नहीं होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमेट बोलते हैं। तो मतलब आर्टिस्टिक फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो मतलब तोड़ मरोड़ के बनाया गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमेट, उत्कृष्ट झूठ एक तरीके से आप बोल सकते हो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो इन, इन का मतलब क्या होता है, इन नेगेटिव होता है। अब देखो वेटरेट, ये जो आया है ना, ये वेटस से आया है, क्या वेटस से आया हुआ है, तो याद रखना, वैसे याद रखना ये पॉजिटिव टर्म्स होता है, जो वेटस होता है ना ये पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, ओल्ड या एक्सपर्ट होता है। अब यहाँ इन लग गया तो मतलब इसको ये निगेटिव बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बंदा एक्सपर्ट है। अब यहाँ पे ये एक्सपर्ट है, लेकिन वो कैसे एक्सपर्ट है, झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, और उसका जो झूठ बोलना है ना वो काफ़ी लंबे टाइम से उसके अंदर समाहित है। मीन्स अगर वो झूठ बोलता है या कोई गलत हरकत करता भी है ना, तो लंबे टाइम ड्यूरेशन से, जिसको मतलब एक तरीके से सुधार ही नहीं जा सकता, वो उसमें एक्सपर्ट हो गया एक तरीके से, मतलब झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो गया, चीटिंग करने में एक्सपर्ट हो गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनवेटरेट बोलते हैं। और वेटरेट मतलब एक टर्म्स मैंने और बताया था आपको, जो अच्छे काम के लिए जाना जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेटर्न बोलते हैं, क्या वेटर्न, वेटर्न होता है, मीन्स एक ऐसा प्लेयर या एक ऐसा आदमी जो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा क्या हो, डेक्स्ट्रस हो, मतलब परफेक्ट हो, उसके पास लॉन्ग लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेटर्न बोलते हैं। तो ये कैसा हो गया कि मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग बैड हैबिट, मीन्स एक ऐसी हैबिट जो पहले से ही मौजूद है। तो बैड हैबिट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, झूठ बोलना भी आ जाता है, चोरी करना भी आ जाता है, सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इनका मतलब यहाँ मैंने बता ही दिया था, ये नेगेटिव है, और वेटरेट कहाँ से आया है, ओल्ड एक्सपर्ट, मतलब जो बहुत ही पुराना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद है कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल जिसको बोलते हैं, कॉन्जेनिटल का मतलब होता है कि देखो पहले इसको समझ जाओ, कौन का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी चीज एक साथ में, टुगेदर में है, क्या है, टुगेदर में है। लेकिन ये अब यहाँ पे जो जेनिटल टर्म्स आया है, जेनेसिस से आया है, कहाँ से आया है,
जेनेसिस से आया ये वाला। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? बर्थ। मीन्स एक ऐसी कोई बीमारी या एक कोई एक ऐसी हैबिट जो जन्म से हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जेंटल बोलते हैं। ये डिसीज भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो मतलब जन्म से बच्चों को हो जाती हैं। या फिर अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसका मतलब है कोई एक ऐसा बंदा जो पेट से ही झूठ बोलना सीख जाता है। जैसे आप लोगों ने अभिमन्यु का नाम सुना होगा, तो अभिमन्यु जो थे वो मतलब पेट में ही अपने माँ के मतलब वो जो चक्रव्यूह था ना उसको तोड़ना सीख गए थे। बस लास्ट फाटक पे उनकी मम्मी क्या हो गई थी? सो गई थी, इस वजह से वो लास्ट फाटक को तोड़ना नहीं सीख पाए थे। तो वही चीज़ होता है, कॉन्जेनिटल का मतलब होता है कि एक ऐसी हैबिट जो क्या हो, जन्मजात हो। तो बोलते नहीं, तुम तो यार ऐसा लगता है जन्मजाति झूठ बोलने वाले हो, मीन्स तुम्हारे अंदर ये चीज़ जन्म से ही बसा हुआ है झूठ बोलना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जेनिटल बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे इसका अगला वाला देख सकते हो आप, यहाँ पे अन याद रखना, ये नेगेटिव टर्म्स होता है। ये कहीं भी लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव होता है। जैसे आपने सुना होगा अनऑर्गेनाइज्ड, समझ गए, तो वो नेगेटिव होता है। या कंट्रोल, तो अनकंट्रोल होता है। और कौन का मतलब टुगेदर होता ही है, ये तो पता ही है। टुगेदर जिसको हम बोलते हैं एक साथ में, जिसको आप कह सकते हो। और कॉन्शियंस, यहाँ एक टर्म्स होता है, कॉन्शियंस का मतलब होता है नोइंग, मतलब कोई भी चीज़ जानना। तो अब यहाँ पे समझना, अनकॉन्सिनेबल का मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बोल रहे हो उसको आप एकदम अपना रीजनिंग लगा के या अपना ओपिनियन प्रॉपर तरीके से उसमें ना इम्प्लीमेंट करके जब आप बोलते हो ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? विदाउट कर लेना जरा आप लोग, विदाउट कॉन्शियंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? अवेक पूर्ण बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला है ग्लिब। ग्लिब का मतलब होता है बातूनी एक तरीके से, मीन्स कुछ लोग ऐसा झूठ बोलते हैं कि वो आपको बातों में ही घुमा देंगे और ऐसा झूठ बोल देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। मीन्स उनका जो बोलने का तरीका होगा वो बहुत ही ऐसा लगेगा, उनका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लिब। या फालतू की जो बात हो उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लिब कहते हैं। तो सेड अवे दैट लैक्स ऑफ थॉट्स, मीन्स ऐसी कोई भी चीज़ बोली जा रही है जिसमें कोई प्रॉपर रेशनल नहीं लग रहा है, कोई भी अपना लॉजिक नहीं लगा रहे, रीजनिंग नहीं लगा रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लिब बोलते हैं। तो अगला आप देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है? जेनेटिक्स है। या अगर इसको आप ध्यान से देखो ना, तो ये जो जेनेटिक्स टर्म्स आया है ये कहाँ से बना है? जेनेसिस से बना है। क्या? जेनेसिस। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? बर्थ होता है। क्या होता है? बर्थ होता है। मीन्स इसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं कि जो एक पेरेंट्स के जो अंदर ट्रेट्स होता है उसके अंदर जो हेरिडिटरी होती है, हेरिडिटी जो होती है वो क्या होती है? बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होती है। जैसे अगर किसी पेरेंट्स के बाल जो हैं बहुत ही घुघराले हैं तो वो बच्चे के अंदर हो जाता है, या किसी पेरेंट्स की जो आईज है वो बहुत ही ब्राउनिश है तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर वो ट्रेट्स चला जाता है, या किसी का नोज़ बहुत ही लॉन्ग है किसी पेरेंट्स का तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर चला जाता है, या फिर फैमिली के किसी भी मेंबर से जब उसका फेस या कोई चीज़ मिलता है तो उसकी जो हम स्टडी करते हैं किस में करते हैं? जेनेटिक्स में करते हैं। किस में? जेनेटिक्स में करते हैं। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो करता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिस्ट। ये हो गया करने वाला और ये किया जाता है इसमें। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद है जीनियोलॉजी। अब देखो जीनियोलॉजी, जीनियो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जेनेसिस से ये भी आया हुआ, जिसका मतलब क्या होता है? बर्थ। क्या होता है? बर्थ। अब इसका मतलब क्या होता है? इसमें हम बेसिकली किसी फैमिली की स्टडी करते हैं कि कोई भी फैमिली किस प्लेस से आई है, कहाँ से आई हुई है, उसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? जीनियोलॉजी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आर्य, जो आर्य लोग थे वो ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया के उस साइड से आए हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं उनकी क्या है? जीनियोलॉजी है। मतलब उसमें हम उनकी कैसे ये पता चला? उनकी मतलब जीन को हमने स्टडी किया और जीन को स्टडी करके हमने बताया कि वो किसके एंसेस्टर्स थे या वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये किसमें किया था? जीनियोलॉजी में। और जो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जीनियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या? जीनियोलॉजिस्ट। मतलब ये आप ही का हो सकता है कि आपके जो पूर्वज थे वो पहले कहाँ रहते थे, वो क्या खाते थे, मतलब उनका एजुकेशन क्या था, ये सारी चीज़ें पता
जो स्टडी हम करते हैं किसमें करते हैं, जीनियोलॉजी में करते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद यहाँ आते हैं, एना का मतलब होता है नेगेटिव, ये कहीं भी लगा हो इसका मतलब क्या, नेगेटिव टर्म्स होता है। इसके बाद साइन या सिम, सिम का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके से टुगेदर होता है, साथ होता है, समझ गए। जैसे सिनोनिम्स आपने सुना होगा, तो सिनोनिम्स क्या होते हैं, वो एक साथ जो मीनिंग लेके आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। इसके बाद एन कहीं भी लगा हो नेगेटिव होता है, जैसा कि मैंने बताया था डिस हो, एन हो, अन हो, ये सब नेगेटिव होते हैं। और क्रॉन, क्रॉन्स का मतलब क्या होता है, टाइम होता है, क्या बेसिकली टाइम से रिलेटेड होता है ये। इसके बाद मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, ये वर्ड हमने कई बार आपको बताया है, मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट होता है। इसके बाद लोगोस, लोगोस का मतलब होता है साइंस, या जिसको आप बोल सकते हो स्टडी जिसमें किया जाता है। अब एक काम करते हैं, एक एक टर्म्स को समझते हैं। देखो एना, एना का मतलब यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है। और क्रॉन का मतलब हो गया टाइम, मतलब जो टाइम से क्या हो, हटके हो। टाइम से हटके का मतलब क्या हो गया कि सपोज करो अभी जो टाइम चल रहा है इस टाइम से कोई चीज़ क्या हो, हटके हो, मतलब इस टाइम से वो बिलोंग ही नहीं कर रही हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एनाक्रोनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एनाक्रोनिज्म। जैसे आप लोग देखते होंगे कुछ कुछ जीवाश्म ऐसे मिलते हैं ना जो इस टाइम से के होते ही नहीं है, वो कहाँ के होते हैं, पुराने टाइम के होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एनाक्रोनिज्म बोल सकते हैं उन्हें। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी, समथिंग आउट ऑफ द टाइम, मतलब जो टाइम से हटके है, पुराने समय का आप उसको बोल सकते हो। इसके बाद आगे आते हैं इनकॉन्ग्रुइटी। इनकॉन्ग्रुइटी देखो, इन लगा है तो नेगेटिव है। एक टर्म्स याद रखना, अभी कौन का मैंने बताया था, कौन का मतलब क्या होता है, टुगेदर होता है या साथ होता है। तो मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज वो आपस में जब मेल नहीं खाती। जैसे सपोज करो एक कोई ऐसे पिक्चर है, अब इस पिक्चर को मैं यहाँ हाफ से काट दूँ तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये दोनों समान है। लेकिन सपोज करो एक कोई एक पिक्चर है और इसको मैं ऐसे काट दूँ तो इसमें ये जो दो पार्ट्स बने ना, ये इनकॉन्ग्रुएंट है। क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये एक दूसरे से मेल नहीं कर पा रहे हैं। तो वही चीज़ ये होता है इनकॉन्ग्रुइटी। इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो मेल ना खाए, मतलब विषम हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनकॉन्ग्रुइटी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद है क्रॉन, इसमें देखो ध्यान से, क्रॉन, क्रॉन का मतलब क्या होता है, टाइम, टाइम। अब क्रोनिसिटी का मतलब क्या होता है कि एक कोई हैबिट या एक कोई ऐसी आदत जिसको हम क्या नहीं कर सकते, चेंज ही नहीं कर सकते, क्या चेंज ही नहीं कर सकते, जो कि बहुत ही मतलब बचपन से वो आपके अंदर है या फिर आप उसको चेंज करना ही नहीं चाहते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिसिटी बोलते हैं। मतलब हैबिट्स दैट लाइकली, सॉरी, हैबिट्स नॉट लाइकली टू चेंज, मतलब एक ऐसी हैबिट जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते, मतलब जो बहुत ही लंबे समय से आपके अंदर क्या है, मौजूद है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद है क्रॉन, क्रॉन का मतलब क्या होता है, टाइम। और ये जो लॉजी आया है ना, ये लोगस से आया, किसका, लोगस से। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम इसमें टाइम की स्टडी करते हैं। और वो टाइम कैसा होता है, वो टाइम होता है एक सिक्वेंस वाइज होता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया था वो किसने किया था, अरबों ने किया था। फिर अरबों के बाद फिर कौन आया, इसके बाद फिर उसी में तुर्क आए, आई थिंक, थोड़ा सा आप देख लेना। फिर इसके बाद तुर्क में से वो जो था मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी ने क्या छोड़ा, एक अपने गुलाम को छोड़ा, तो उसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी। तो गुलाम वंश के बाद फिर कौन सा आ गया, अलाउद्दीन खिलजी आ गया। तो ये क्या जा रहे हैं हम, एक तरीके से क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जा रहे हैं, मतलब कोई भी इवेंट जो एक सीक्वेंस वे में होता है तो उसकी जो हम स्टडी करते हो किसमें करते हैं, क्रोनोलॉजी, मतलब यहाँ कालानुक्रम याद दिया ना, कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, मतलब कोई एक ऐसा कैलेंडर बनाओ जो ऑर्डर के अनुसार कोई चीज़ हो। इसके बाद है क्रोनोमीटर। तो देखो जरा, क्रॉन दिया है, क्रॉन का मतलब क्या होता है, टाइम। और मीटर जो आया है ना, वो मेट्रॉन से आया हुआ, कहाँ से, मेट्रॉन से आया। तो मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, क्या होता है, मेजरमेंट। तो मींस एक ऐसी डिवाइस जो टाइम को एकदम एक्यूरेट मेजर करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोनोमीटर बोलते हैं, क्या, क्रोनोमीटर। जैसे आप रेसिंग वेसिंग देखते हो तो रेसिंग में जो वो डिवाइस यूज की जाती है ना, वो एक तरीके से क्रोनोमीटर की तरह ही काम करती, क्यों, कि उसमें हम पल्स में भी क्या करते हैं, टाइम का मेजरमेंट करते हैं। सेकेंड में तो करते ही करते हैं, मिनट में भी करते हैं, लेकिन उसमें पल्स में भी बताता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रोनोमीटर कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखो जरा, सिन, सिन का मतलब क्या मैंने बताया था, टुगेदर होता है, क्या होता है, टुगेदर होता है। और क्रॉन का मतलब मैंने बताया है क्या होता है, टाइम होता है। तो सिंक्रोनाइजेशन, क्या,
सिंक्रोनाइजेशन, मतलब इसका ये हुआ कि कोई भी चीज़ जब वो घटित होती है ना, तो एक साथ जब होती है, मतलब एक ही समय पर जब होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। मीन्स एक्ट ऑफ अकरिंग एट द सेम टाइम। जैसे सपोज करो म्यूजिक व्यूजिक आपने सुना होगा, तो म्यूजिक में क्या होता है, कोई एक ड्रम बजाता है, कोई एक तबला बजाता है, कोई एक फ्लूट बजाता है, या कोई एक ढोलक बजाता है, तो उनका जब एक साथ में तालमेल होता है ना, और एक साथ में जब बजते हैं, तो उसको आप क्या बोल सकते हो कि उनके बीच में बहुत अच्छा क्या है, सिंक्रोनाइजेशन है। क्या है? सिंक्रोनाइजेशन है। मीन्स उनका सिंक्रोनाइजेशन क्या है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस आप देखो, इन मैंने बताया था, इन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव टर्म्स होता है, और कॉन्ग्रुअस का मतलब हो गया कि जब, वही हो गया, कॉन्ग का मतलब होता है साथ में, मतलब जब कोई चीज़ में तालमेल ना बैठे, समझ गए। जैसे कोई मीटिंग चल रही है, उसमें कोई कुछ दूसरा बोल रहा है, कुछ कोई दूसरा बोल रहा है, तो वो एक तरीके से इनकॉन्ग्रुअस वहाँ पे हो रहा है। या जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, तो उसमें कोई अलग तरीके से बजा रहा है, कोई अलग तरीके से बजा रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इनकॉन्ग्रुअस हो रहा है, मतलब लैकिंग इन हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब होता है एक समानता, जिसको हम बोलते हैं। तो जब उसकी कमी हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, इनकॉन्ग्रुअस हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेतुका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बेतुका। अब एक काम करते हैं, ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो, तो अब इसके हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आप ये सेकंड पार्ट इसका देखिए, यहाँ पे ये आपके क्या है, रूट है, प्रीफिक्स या सफिक्स या रूट कोई भी हो सकता है इसमें से। सेम केस ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे याद रखना, ईएम, इम का मतलब होता है इन, इन का मतलब होता है इनसाइड। टेली, टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, जैसे आपने टेलीफोन सुना होगा, और आपने सुना होगा टेलीस्कोप सुना होगा, टेलीपैथी सुना होगा, तो वो टेली का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है। आगे दिया एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, जैसे एंटी करप्शन होता है, या इंडिया के खिलाफ लोग स्लोगन भी बोलते हैं, तो उसको एंटी स्लोगन आप बोल सकते हो, या एंटी इंडिया जिसको कहते हैं। इसके बाद सिम या सिन, इसका मतलब क्या होता है, टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, जैसे सिनोनिम्स आपने टर्म सुना होगा, तो वो इसी से बना है, सिनोनिम्स। इसके बाद अगला है पैथोस। पैथोस का मतलब क्या होता है, फीलिंग होता है, डिसीज होता है, जैसे आप पैथोलॉजी आपने सुना होगा, होम्योपैथी सुना होगा, एलोपैथी आपने सुना होगा, तो ये कहीं ना कहीं उसमें डिसीज या फीलिंग से रिलेटेड बातें होती हैं। इसके बाद है लोगोस। लोगोस का मतलब क्या होता है, साइंस, जिसको हम कहते हैं एक तरीके का विज्ञान, जो आप ये पढ़ते ना, बायोलॉजी और सोशियोलॉजी, या फिर आप पढ़ते हो जितने भी लॉजी वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें लोगोस ही लगा होता, तो उस लोगोस से ही बना है आपका लॉजी, तो उसका मतलब क्या था, साइंस या स्टडी। कॉरिगो, कॉरिगो का मतलब होता टू करेक्ट, किसी को क्या करना, सही करना या इम्प्रूव करना, डेट इज़ कॉल्ड कॉरिगो। सो अब एक काम करते हैं, अब ये जो आपके रूट वर्ड है ना, इनको देख कर, या जो सफिक्स या प्रीफिक्स है इनको देख के, अभी आपके जो ये वर्ड है ना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इसमें आप ध्यान से देखो, टेली, टेली का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था डिस्टेंस होता है, और पैथी जो इसमें टर्म्स आया है ना, वो पैथोस से आया, क्या, पैथोस से आया हुआ है, और पैथोस का मतलब क्या होता है, फीलिंग, क्या, फीलिंग या डिसीज, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब फीलिंग से ही है। अब टेलीपैथी क्या होता है, टेलीपैथी होता है बेसिकली जब आप कोई दूर पर्सन बैठा हुआ है, आप उसके इमोशंस को, उसके फीलिंग्स को जब आप समझ जाते हो ना, या उसकी पीड़ा को आप समझ जाते हो ना, तो वो एक तरीके से क्या होता है, टेलीपैथी होता है। क्या होता है, टेलीपैथी होता है, मीन्स कम्युनिकेशन फ्रॉम डिस्टेंस, मीन्स आप दूर से ही, मतलब आप उसकी फीलिंग्स या इमोशंस को समझ पा रहे हो। ये आपके साथ भी होता है, सपोज करो आप बाहर कहीं तैयारी कर रहे हो, तो कभी कभी ऐसा होता कि आपके मम्मा का या आपके फादर का कॉल आता है, और आपसे पूछते, बेटा कैसे हो, हाँ मुझे आपके बारे में ऐसे ऐसे ख्याल आए थे, तो वो एक तरीके से उन्होंने क्या किया, पहले टेलीपैथी किया, उसके बाद आपको टेलीफोन किया। तो टेलीफोन में भी टेली टर्म्स लगा हुआ है, कि मतलब जब हम किसी से दूर से संवाद करते हैं ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टेलीफोन। उसमें दो टर्म्स हैं एक तरीके से देखा जाए, एक टेली है और एक फ़ोन है। फ़ोन का मतलब क्या होता है, साउंड होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद एंटीपैथी। एंटी का मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है, अगेंस्ट होता है। और पैथी जो आया है, पैथोस से आया है। अब देखना,
जब आपके अंदर किसी के प्रति नफरत की भावना जागृत हो जाए, मीन्स आप उससे हेट करो, आप उसे डिसीव करने की कोशिश करो, तो वो एक तरीके से आपके अंदर जो फीलिंग है वो कैसी है? एंटीपैथी है। ये ज़्यादातर केस में आपको अपने एनिमी के प्रति होता है। किसके प्रति? एनिमी के प्रति होता है। मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मीन्स आप एक तरीके जिससे नफरत करते हो एक तरीके से, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंटीपैथी बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे दिया ना बैर भाव, आगे दिया अपैथी। अब देखना, ए भी कहीं टर्म्स लगाओ ना, ए भी क्या करता है? किसी भी वर्ड को अपोजिट बना देता है। मतलब किसी भी टर्म्स को अगर आपको अपोजिट बनाना ना, तो ए भी कहीं ना कहीं क्या करता है? उसको अपोजिट बना देता है। ए है, एन है, ये मैंने आपको बताया था। आप देखो ध्यान से, इसमें ए इसमें लगा हुआ तो ये नेगेटिव सेंस जाएगा, याद रखना। पैथी जो आया है पैथोस से आया है, क्या? पैथोस से। यहाँ पे पैथी का मतलब वही है, फीलिंग है। यहाँ पे भी पैथी का मतलब फीलिंग ही था। अब याद रखना, जब आपके अंदर कोई फीलिंग हो ही ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अपैथी कहते हैं। जैसे सपोज करो आप रास्ते में जा रहे थे, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब आप उसके पास ना जाकर आप उसको देखे और देखने के बाद चुपचाप चले गए, तो आपने वहाँ क्या दिखाया? अपैथी दिखाया। क्या दिखाया? अपैथी दिखाया, मीन्स आपके अंदर फीलिंग है ही नहीं। जैसे लैक ऑफ फीलिंग, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, लैक ऑफ फीलिंग मतलब एक तरीके से उदासीनता, मीन्स आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, ना पॉजिटिव फीलिंग है ना ही नेगेटिव है। याद रखना दोनों टाइप की फीलिंग की इसमें बात चल रही, मीन्स आप न्यूट्रल हो। न्यूट्रल का मतलब एकदम तरीके से जीरो हो, एक तरीके से मतलब किस चीज़ में? फीलिंग्स में आप जीरो हो। इसके बाद है पैथोलॉजी। आपको पता ही है पैथोलॉजी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हम, अब यहाँ पैथ याद रखना, यहाँ पे पैथ जो आया है ना, पैथो, ये पैथोस से ही बना हुआ है। यहाँ पे इसका मतलब डिसीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे किसका मतलब क्या हो रहा है? डिसीज हो रहा है। और लोगस से ही आया है क्या? लॉजी, समझ गए? तो इसका मतलब हो गया साइंस या एक तरीके से स्टडी। तो आप बोल सकते हो पैथोलॉजी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम मेडिकल साइंस के थ्रू स्टडीज करते हैं किसी भी बीमारी के होने का कारण, और उसका नेचर भी क्या है, उस बीमारी का नेचर क्या है, तो वो हम किस में करते हैं? पैथोलॉजी में करते हैं। जैसे आपको जब फीवर होता है ना, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आप जाके चेकअप करवाइए, तो आप कहाँ जाते हो चेकअप करवाने? पैथोलॉजी में जाते हो। कहाँ पे? पैथोलॉजी में जाते हो। तो उस केस में वो आपसे ब्लड सैंपल मांग सकता है, या यूरिन का सैंपल भी, अलग अलग टाइप के जिस टाइप की बीमारी होती है उस हिसाब से वो आपसे डिमांड करता है, और उसकी जो स्टडी करता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिस्ट। मैंने आपको बताया था IST कहीं भी लगा हो तो ये किसके लिए होता है? ये बेसिकली पर्सन के लिए होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आते हैं पैथेटिक। अब देखो यहाँ पे जो ये पैथ आया है ना, ये पैथो, ये पैथोस से आया है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है? फीलिंग है। क्या है? फीलिंग है। आप जैसे बोल सकते हो कोरोना वायरस का समय चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोगों की जो कंडीशन है ना, वो कैसी है? बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है। पैथेटिक मतलब दयनीय है, मतलब उनके पास खाने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनकी पूरी फैमिली परेशान है, तो ये कंडीशन एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है। जैसे अभी मैंने न्यूज़ पढ़ा था कि बिहार में एक गाँव है, वहाँ पर लोग जो है फ्रॉग, मतलब फ्रॉग खाने के लिए क्या है? मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से उनको ना तो मिड डे मील पा रहा है, मिड डे मील जो होता है बच्चों के लिए वो ना मिल पा रहा है, ना बेसिक एमिनिटीज़ उन्हें मिल पा रही हैं, और ना ही उनके पास जॉब है, तो अब क्या करें? उनके पास एक ही मजबूरी है। तो उनकी जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन कैसी है? पैथेटिक है, मतलब हार्ट ब्रेकिंग है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? दयनीय है। इसके बाद आते हैं इनकॉरिजिबल। अब याद रखना कॉरिजिबल का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे आया है ये वाला टर्म्स, कॉरिजिबल वाला टर्म्स जो है आपका, यहाँ से देखो, यहाँ पे कॉरिगो से आया है ये वाला टर्म्स। अगर केवल कॉरिजिबल होता तो कॉरिजिबल होता जिसको ठीक किया जा सकता है, मीन्स जैसे सपोज करिए कोई गाड़ी है, उस गाड़ी में कोई अगर प्रॉब्लम आ गई तो उसको आप रिपेयर कर सकते हो, तो वो कॉरिजिबल है, मतलब उसको आप दोबारा से बना सकते हो। लेकिन इनकॉरिजिबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो उसमें हम इम्प्रूव कर ही नहीं पाएंगे, तो वो एक तरीके से क्या होता है? इनकॉरिजिबल होता है। क्या? इनकॉरिजिबल। और इन यहाँ पे कैसा टर्म्स है? नेगेटिव, तो बियॉन्ड रिफॉर्म, मतलब
जिसको सुधारा ना जा सके। तो नेक्स्ट वाला देख लो यहाँ पे, एम्पैथी है। अच्छा, एम्पैथी और सिंपैथी दोनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये एग्जाम्स में बहुत आते हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले आप सिंपैथी समझ जाओ। ओके, देखो सिम कैसे बना हुआ है। सिम जो बना हुआ है टुगेदर बना हुआ है। क्या टुगेदर? ये जो सिम है ना, इसका मतलब क्या होता है? टुगेदर होता है। और पैथी जो आया है पैथोस से आया है। क्या? पैथोस से आया है। पैथोस का मतलब फीलिंग। इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई पर्सन को कोई प्रॉब्लम है या उसे कोई बीमारी है या उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, तो उस इंसिडेंट में जब आप पार्टिसिपेट करते हो और आप उससे बोलते हो कि मींस मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ, आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है या ये दिक्कत आई है, तो वहाँ आप क्या दिखा रहे हो? सिंपैथी दिखा रहे हो। क्या दिखा रहे हो? सिंपैथी दिखा रहे हो, मतलब आइडेंटिफिकेशन विद अनदर्स फीलिंग। मतलब जब आप दूसरे की फीलिंग को समझते हो, क्या समझते हो, पहचान जाते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सिंपैथी कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे आपका कोई दोस्त है और वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। क्या? एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो आप उसके पास गए तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास बैठा है, तो आप उससे क्या बोलते हो? बेटा टेंशन मत लो, मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ और आप कितने दुखी हो, ऐसा वैसा, टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा, ये वो, ये बातें आप बोलते हो या नहीं बोलते हो? तो वो आप क्या दिखा रहे हो? सिंपैथी दिखा रहे हो। क्या दिखा रहे हो? सिंपैथी। इसलिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सहानुभूति। ये आप इसको ऐसे समझ लो, ये वाला इसके लिए है, ये सहानुभूति किसके लिए? सिंपैथी के लिए है। और समानुभूति जो है उस किसके लिए है? एम्पैथी के लिए है। तो ये बात आई थिंक अगर समझ में आई हो तो आपको एम्पैथी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखना, एम का मतलब क्या होता है? अंदर, अंदर। और पैथी यहाँ पे क्या है? फीलिंग होता है। अब जब आप किसी के अंदर की फीलिंग को खुद महसूस करो, खुद का मतलब आपके साथ भी वैसे ही प्रॉब्लम चल रही हो और आप तब महसूस करो, उसी को हम क्या कहते हैं? एम्पैथी कहते हैं। जैसे आप पहले वाला एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना, जैसे आपका दोस्त था वो एग्जाम में फेल हो गया और आप भी फेल हो गए और दोनों एक जगह मिले, तो आप क्या उससे बोलोगे? अरे यार, हम लोगों के साथ क्या हुआ, बहुत दिक्कत हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और मैं मतलब ये दिक्कत हो सक है कि मतलब वो जो फीलिंग महसूस कर रहा है उसके साथ जो चल रहा है ना कंडीशन, सेम आपके साथ वो कंडीशन जो चल रही है उसी को हम क्या कहते हैं? एम्पैथी कह रहे हैं। अब नॉर्मल सी बात है, वो भी फेल हुआ, आप भी फेल हुए हो, तो जो उसके अंदर चल रहा होगा सेम आपके अंदर भी चल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आप उसकी फीलिंग को महसूस कर पा रहे हो और उसके अंदर जाके, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पैथी बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग समवन्स फीलिंग मीन्स किसी की फीलिंग को हूबहू समझना, मतलब वो जो समझ रहा है वही आप समझ रहे हो। जैसे कोई एक मोटा व्यक्ति है बहुत ज़्यादा और आप भी बहुत ज़्यादा मोटे हो और वो आपसे बोल रहा है, अरे यार ये मोटापा बहुत परेशान करता है, रनिंग करने में दिक्कत करता है, ऐसा वैसा, तो आप उससे बोलोगे अरे यार मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप भी उसी स्टेज पे हो और आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आप फीलिंग को बिल्कुल 100% समझ पाओगे। लेकिन सपोज करो एक कोई मोटा आदमी है और आप दुबले आदमी हो, तो आप वहाँ सिंपैथी दिखा पाओगे? एम्पैथी नहीं दिखा पाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी फीलिंग को आप नहीं समझ पाओगे। फीलिंग को आप कब समझोगे? जब आप सेम कंडीशन में होगे, और जब आप सेम कंडीशन में होगे तो उसी को ही हम क्या कहेंगे? फीलिंग के समझने को, प्रोसेस को एम्पैथी। याद रखना, एम्पैथी को आप ऐसे याद कर सकते हो, इम्फेसाइज। इम्फेसाइज का मतलब हो गया, एम्पैथी जो होता है ना वो ज़्यादा इम्फेसाइज करता है किसके कंपेयर में? सिंपैथी के कंपेयर में। मींस ये ज़्यादा फीलिंग को शो करता है, ये थोड़ा सा कम फीलिंग को शो करता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो गैरेक्स या गैरेजिस का मतलब होता है हर्ड या फ्लॉक होता है। इसके बाद एक्स या ई का मतलब होता है आउट, बाहर, जिसको एक तरीके से हम कहते हैं, जैसे एग्जिट आपने सुना होगा, एग्जिट मूवी भी देखने जाते हो तो एग्जिट गेट होता है जिससे हम मूवी देखने के बाद बाहर निकलते हैं। ऐड, ऐड का मतलब तो पता ही है, जोड़ना होता है किसी भी चीज़ में, किसी चीज़ को जोड़कर बढ़ा देना, दैट इज़ कॉल्ड ऐड। ओमनिस, ओमनिस का मतलब क्या होता है? ऑल होता है। और ने, ने यहाँ पे याद रखना, ने नेगेटिव टर्म्स होता है अपने आप में। क्या? ए हुआ, ने हुआ, इन हुआ, नेगेटिव टर्म्स होते हैं। प्री, प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर होता है। क्या? बिफोर। जैसे प्रीवियस आपने सुना होगा, तो प्रीवियस का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर, मतलब पहले का ईयर, जो अभी चल रहा है उसके पहले का ईयर, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस। इसके बाद से का मतलब क्या होता है? अपार्ट, किसी चीज़ को क्या कर देना? अलग कर देना। जैसे सेपरेट आपने सुना होगा, तो सेपरेट में हम क्या करते हैं? चीज़ों को अलग कर देते हैं। इसके बाद सीएंस,
सीएंस का मतलब क्या होता है? नोइंग होता है, या नॉलेज एक तरीके से आप बोल सकते हो, या नो भी होता है। जैसे साइंस होता है, तो साइंस क्या होता है? साइंस बेसिकली होता है कि इट इज़ अ नॉलेज। साइंस क्या होता है? एक नॉलेज होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, चीज़ों के बारे में पहचानते हैं। इसके बाद कौन, कौन का लिए हम बता दिए, तो कौन का मतलब होता है टुगेदर, और कौन का मतलब धोखा भी देना होता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, टुगेदर का सेंस लेना है। अब देखो ध्यान से, ओमनी, ओमनी का मतलब क्या होता है? ऑल। और जो ये सीएंस आया है, ये सीएंस, ये बेसिक, सॉरी, ये साइंस जो आया है सीएंस से आया हुआ, कहाँ से? सीएंस से। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? नो, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ऑल नो, मतलब सब कुछ जानना। सब कुछ जानना क्या कहलाता? ओमनीसियंस कहलाता। क्या? ओमनीसियंस, जिसके पास मतलब इन्फिनिटिव नॉलेज हो, मतलब असीमित नॉलेज हो, वो एक तरीके का जो होगा वो, कि उसको हम बोलेंगे ओमनीसियंट, और जानने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ओमनीसियंस बोलेंगे। तो ओमनीसियंट कौन होता है? गॉड होता है। गॉड को सब कुछ पता है, समझ गए? इसलिए गॉड के लिए क्या आता है? ओमनीसियंट आता है। और उसके अंदर जो क्वालिटी है उसी को हम क्या कहते हैं? ओमनीसियंस कहते हैं, मतलब इन्फिनिटिव नॉलेज, मतलब सर्वज्ञान, जिसको एक तरीके से बोल सकते हो। और सर्वज्ञाता हो जाएगा जो उसको जानता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्री, प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर। प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर। और सी, ये साइंस है, तो साइंस कहाँ से है? सीएंस से है। तो प्रीसीएंस, ये प्रीसीएंस है। तो प्रीसीएंस का मतलब होता है कि पहले से ही कोई चीज़ आप जान जाओ, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रीसीएंस बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं ना, और जो डॉग्स होते हैं, या जो बर्ड्स होती हैं, जैसे कहीं पे अर्थक्वेक आने वाला होता है, या कहीं पे साइक्लोन आने वाला होता ना, तो उन्हें पहले ही पता चल जाता है ये चीज़, ऑब्जर्व करना, उन्हें पहले से ही वो फीलिंग हो जाती है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए देखना वो अलग अलग टाइप की आवाज़ निकालना, या भागना, या इधर उधर उड़ना, मतलब वो स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये पहले से ही नॉलेज हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है? प्रीसियंस, मतलब पूर्व ज्ञान, जिसको एक तरीके से बोलते हैं। फॉरसाइट, फॉरसाइट का मतलब भी यही होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद नी, नी अपने आप में क्या होता है? देख लो वहाँ पे नेगेटिव टर्म्स है। कैसा टर्म्स है? नेगेटिव है। और साइंस जो आया वो कहाँ से आया? सीएंस से आया है। तो नी सीएंस का मतलब होगा कि जो, जिसको मतलब जो क्या है, अज्ञानता से भरा हुआ है। किससे? अज्ञानता से भरा हुआ, मतलब जिसके पास नॉलेज है ही नहीं, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो अज्ञानता। नी सीएंस का मतलब क्या होता है? अज्ञानता, मीन्स कोई नॉलेज नहीं है, ना तो एजुकेशन के बारे में पता है, ना तो समाज के बारे में पता है, ना तो अच्छे बुरे के बारे में पता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नीसियंस बोलते हैं। आई होप यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं ग्री। देखो ये जो आया है ग्रेक से आया हुआ है, ये यहाँ से आया है, ग्रीस से आया हुआ है ग्री। अब ग्री का मतलब क्या होता है? हार्ड। क्या? हार्ड। तो इसमें जो ये पूरा बना ना ग्रीगेरियस, ये ग्रीगेरियस का मतलब ये होता है कि जब आप एक ग्रुप में रहो, कई सारे लोगों के बीच में रहो, और उनके साथ अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस को, अपनी बातों को आप शेयर करो, तो वो जो आपका नेचर होता है ना, वो कैसा नेचर होता है? ग्रीगेरियस नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? ग्रीगेरियस नेचर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिलनसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मिलनसार, जिसको एक तरीके से बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं ना, वो ग्रीगेरियस नेचर के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा झुंड में ही रहते हैं। और ह्यूमन बीइंग को भी ग्रीगेरियस नेचर ही होना चाहिए अगर लाइफ में खुश रहना है तो। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ग्रीगेरियस। इसके बाद अगला इसमें एक टर्म्स आया है ई। ई अपने आप में क्या होता है? नेगेटिव टर्म्स होता है। कैसा? नेगेटिव टर्म्स होता है। ग्रेसियस यहाँ पे दिया ग्री, और इसमें ये वाला जो टर्म्स देखो ना, ये वाला, ये यहाँ से आया हुआ, हर्ड से आया हुआ, या फ्लॉक से आया हुआ, हर्ड, या जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक। ये वाला टर्म्स यहाँ है। तो देखो ये इग्रिसस है, इग्रिसस, इसको हम क्या बोलेंगे? इग्रिसिस। इग्रिसिस का मतलब होता है वेरी नोटिसेबल फॉर बींग इनकरेक्ट, मीन्स एक ऐसा पर्सन जो ग्रुप में लोग एक तरीके से जो गलत हैं उनसे कहीं वो ज़्यादा हट के गलत हो, समझना इस बात को थोड़ा सा। ईग्रिसिस का मतलब होता है कि मीन्स एक ऐसा व्यक्ति, या एक ऐसा पर्सन, या कोई एक ऐसी गलती, मतलब जो ग्रुप में गलत हो,
लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो बहुत ही ज़्यादा हटके गलत हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईग्रीसस बोलते हैं। समझ गए? मतलब ये एक तरीके से आप बोल सकते हो ब्लंडर होता है, मतलब ब्लंडर का मतलब समझते हो ना, अ बिग मिस्टेक, मतलब जिसको हम एक तरीके से सुधार ही नहीं सकते हैं। समझ गए? इसमें दिया वेरी नोटिसेबल फॉर बीइंग इनकरेक्ट, मतलब एक ऐसी चीज़ कि जिसको मतलब नोटिस किया जा सके कि नहीं नहीं ये बिल्कुल क्या है, गलत है, क्या है, गलत है बिल्कुल। ब्लटंट जिसको एक तरीके से बोल सकते हो, फूहड़ रद्दड़ जिसको एक तरीके से बोलते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईग्रीसस। ये थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझने की कोशिश करना। इसके बाद यहाँ पे है कॉन। कॉन का मतलब क्या होता है, टुगेदर। यहाँ पे देख लो कॉन का मतलब क्या है, टुगेदर है, और ये ग्रीसिस से आया हुआ है। ग्रीसिस का मतलब क्या, हर्ड, एक तरीके से ग्रुप। समझ गए? इसका मतलब क्या होता है, हर्ड या ग्रुप। तो कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब हो गया जब लोगों का ग्रुप एक जगह क्या हो, इकट्ठा हो, क्या हो, इकट्ठा हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। और यहाँ पे जो लोग इकट्ठा होते हैं ना, उनका एक ही मेन टारगेट होता है, वो मेन टारगेट होता है कि रिलीजियस पर्पज़ से। किस पर्पज़ से, रिलीजियस पर्पज़ से, मीन्स वो जो उनके प्रीचर होते हैं या उनके जो धर्म प्रचारक होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद उसको अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो वो जो सभा होती है, धार्मिक सभा, जैसे आपके घर के पास में जैसे मंदिर कोई है या कोई मस्जिद है या कोई चर्च है, तो वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं या नहीं इकट्ठा होते हैं, या कोई धर्म गुरु आए तो कहीं ना कहीं कोई स्पीच दे रहे हैं, आप उसको सुनने गए, तो वहाँ पे जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। मतलब मासिंग टुगेदर, मतलब एक साथ इकट्ठा होना। याद रखना, ये ज़्यादा मोस्टली केसेस में ये धार्मिक पर्पज के लिए ही किया जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ देखो सेक्टर, एक आपने टर्म सुना होगा, तो सेक्टर में भी यही टर्म्स लगा, ऐसी। तो सेक्टर में क्या होता है, एक जो सर्कल होता है ना, उसका एक पार्ट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो सेक, और सेक का मतलब होता अलग भी होता है, सेक का मतलब क्या होता, अलग होता, तो सेक ही लगा। सेक का मतलब होता किसी चीज़ को क्या करना, अलग कर देना। तो अब यहाँ पे सेक का मतलब क्या हो गया, अलग या अपार्ट जिसको आप बोलते हो। और ये वाला जो टर्म्स आया है ना, ये वही आया है, ग्रीसिस से आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि कोई चीज़ इकट्ठा है, उसमें से चीज़ों को क्या कर रहे हो, अलग कर रहे हो, सेग्रीगेशन जिसको एक तरीके से आप बोलते हो। समझ गए? जैसे आजकल के जो स्कूल है ना, उसमें भी देखा गया है कि बच्चों को क्या करते हो, सेग्रीगेट कर देते हैं, मीन्स सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन। मतलब जो टॉपर हैं उनको ए सेक्शन में डालेंगे, जो थोड़े से कम पढ़ने वाले हैं उनको बी सेक्शन में डालेंगे, ताकि टीचर्स को हैंडल करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए और बच्चों के ऊपर प्रॉपर तरीके से फोकस किया जा सके। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो मतलब चीज़ों को क्या करना, अलग कर देना एक तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन। यहाँ पे दिया एक्सक्लूजन, याद रखना, एक इन होता है, इंक्लूजन होता है, और एक आपका एक्सक्लूजन होता है। इनका मतलब होता है इनसाइड, मैंने यहाँ बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ लिखा मैंने कहीं, देख लेना आप लोग। आई एन का मतलब होता है इन होता है, और ई एक्स का मतलब होता है आउटसाइड। क्या आउटसाइड होता है, मतलब बाहर की तरफ एक तरीके, जिसको आप बोल सकते हो, यहाँ लिखा है आउट। तो ये हो गया बाहर, एक्सक्लूजन फ्रॉम हर्ड या सेपरेशन, मतलब किसी चीज़ से क्या करना, किसी को बाहर करना, हर्ड या ग्रुप से बाहर कर देना, या इसी का मतलब सेपरेशन भी होता है। लोगों को समाज से क्या कर दिया जाता है, सेग्रीगेट कर दिया जाता है। जैसे वो आजकल वो लव मैरिज चलता है, तो कुछ फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो वो कपल्स को क्या कर देते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं। क्या सेग्रीगेट कर देते, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया एक टर्म्स एग्रीगेट। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा ये एग्रीगेट कैसे बना है। तो देखना, ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो याद रखना, किसी भी रूट वर्ड में ध्यान से समझना, इसमें रूट जो है ना, ये वाला है आपका, ये वाला, इसमें जो ये गैरिस से जो बना हुआ, ये वाला रूट है। किसी भी रूट वर्ड में अगर जी आए, पहला अल्फाबेट क्या है, जी आए, और उसके साथ अगर आप एडी वाला कोई भी प्रीफिक्स लगा रहे हो, कौन वाला, एडी वाला, मतलब ऐसा कोई भी प्रीफिक्स लगा रहे हो जिसके लास्ट में डी है, तो हमेशा जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जी में कन्वर्ट हो गया है, समझ गए? तो एडी का मतलब यहाँ पे एडी किस में कन्वर्ट हो गया, एजी में हो गया, मतलब डी जी को आपने जी में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये हो गया क्या, एग्रीगेट। तो एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, होल या सम, समझ गए? जैसे आप लोग पेपर देते हो, तो सारे सेमेस्टर का फाइनल सेमेस्टर में क्या होता है, आपका रिजल्ट आता है, तो
सारे जब रिजल्ट आपका आता है तो उसमें सारे सेमेस्टर का जो मार्क्स होता है ना उसको इकट्ठा कैलकुलेट करके उसमें मेंशन कर देते हैं। तो आप बोलते मेरा जो एग्रीगेट परसेंटेज बना है ना 70 बना है या 75% बना है या 60% बना है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट कहते हैं, कुल एक तरीके से होल जिसको हम कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगा। इसके बाद कॉन और ये साइंस है, कॉन्सियंस जिसको हम बोलते हैं। तो कॉन्सियंस यहाँ अब यह कॉन का मतलब क्या हो गया, टुगेदर, और साइंस का मतलब जो साइंस है और सीएंस से आया, तो इसका मतलब हो गया नोइंग, मतलब नॉलेज एक तरीके से, इसका मतलब टुगेदर हो गया। अब कॉन्सियंस क्या होता है, जब आप कोई काम करो या आप जब कोई एक्शन लो तो उस एक्शन में कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है उसमें आप अपनी रीजनिंग लगा के उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सियंस बोलते हैं। मीन्स जब आप होशो हवास में कोई सही डिसीजन लेते हो ना, अपने करियर को देखकर, अपने समाज को देखकर, अपने देश को देखकर, तो वही क्या होता है, कॉन्सियंस होता है। इसलिए हमेशा हमें क्या होना चाहिए, कॉन्सियंस होना चाहिए। कॉन्सियस भी यहीं से बना हुआ है, समझ गए, और अनकॉन्सियस तो आप समझते ही हो। तो ये लेक्चर कैसा लगा आपको बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। यहीं पे ये लेक्चर हम क्या कर रहे हैं, इसको फिनिश कर रहे हैं। और एक काम करना, आप इसका प्रॉपर नोट्स बना लेना, और नोट्स बनाने के साथ साथ मैं इसको एक बार नहीं दो तीन बार इस लेक्चर को देखना, देखने के बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छे से। और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसे लगा। इसी के साथ मैं अब यहीं पे क्लास को फिनिश करता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू।